गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लेबर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आप जानते हैं किसी भी हार्ट के हॉस्पिटल में या कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में मिडिल ऑफ द नाइट में जितने पेशेंट्स इमरजेंसी में पहुंचते हैं उनमें से ऑलमोस्ट 40-45% पेशेंट्स इस तरह के होते हैं जिनकी प्रॉब्लम गैस या गैस से रिलेटेड होती है। इसका मतलब यह है कि गैस का जो पेन है वो चेस्ट में आ सकता है। तो आज हम क्लिनिकली एंड साइंटिफिकली डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे कि गैस और चेस्ट पेन में क्या संबंध है। हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में, हम कंपेयर करेंगे गैस एंड हार्ट के पेन में, हम काजेस की बात करेंगे, डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे एंड हम देखेंगे कि कैसे इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। नाउ जहां तक गैस के दर्द का सवाल है, ये चेस्ट में जरूर आ सकता है। यूजुअली ऐसा माना जाता है कि अगर ये गैस का दर्द है जो चेस्ट में आ गया तो बहुत परेशानी की बात नहीं है। ये एक प्रेशर की फीलिंग दे सकता है, ये डिस्कम्फर्ट की फीलिंग दे सकता है। ये बात सही है कि कभी कभी इसे हार्ट अटैक से या हार्ट के दर्द से डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके चलते ही पूरे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होते हैं और इसी के चलते आप आधी रात में कभी कभी हार्ट के हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। नाउ लेट अस कंपेयर द सिम्टम्स। जो गैस का पेन होगा चेस्ट में जो आएगा वो यूजुअली इस एरिया में आएगा। ये बेसिकली डिस्कम्फर्ट होगा इन द चेस्ट एरिया, यू कैन हैव अ फीलिंग ऑफ टाइटनेस, ये गैस के चलते आती है। इसके साथ आपको बर्निंग सेंसेशन आ सकता है, कभी कभी आपको स्टैबिंग की फीलिंग भी आ सकती है बर्निंग के सेंसेशन के साथ में। कभी कभी आपको दर्द भी आ सकता है क्योंकि एसिड अगर ऊपर आता है तो नर्व एंडिंग्स को इरिटेट करके आपको दर्द भी कर सकता है। लेकिन जब भी गैस का इस तरह का दर्द आपको सीने में आएगा तो उसके साथ में ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि कुछ ना कुछ इनमें से सिम्टम्स जरूर आएंगे। आपको डकारें आएंगी, आपको पेट बहुत फूलेगा, आपको बदबू एक इंडाइजेशन या बदहजमी की फीलिंग आएगी, आपको बहुत ज्यादा गैस ऊपर से भी पास होगी, गैस नीचे से भी पास होगी। और अगर आपको गैस ज्यादा बन रही है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपकी भूख में थोड़ी सी कमी आए और इसके चलते आपका जी मिचला सकता है या एक आध वॉमिटिंग हो सकती है। तो गैस की जो प्रॉब्लम है वो यहां पर दिक्कत तो करेगी लेकिन इसके साथ बहुत सारे एसोसिएटेड सिम्टम्स लेके आएगी जो गैस के चलते आते हैं। नाउ अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसको ध्यान से देखें कि गैस का जो दर्द है वो चेस्ट में हार्ट अटैक जैसा दर्द लेके क्यों आता है। अगर गैस खाने की थैली के बाईं तरफ ट्रैप हो जाए तो यहां पे दर्द आना चालू हो जाता है। अगर गैस हमारी बड़ी आंत का इस तरफ का जो पोर्शन है जिसे स्प्लीनिक फ्लेक्सर कहते हैं यहां पे आके अगर ट्रैप हो जाए तो इसका दर्द ऊपर तक आ जाता है और हार्ट अटैक जैसा बिहेवियर करने लगता है। इनफैक्ट ये इतना तेज दर्द होता है कभी कभी टीस देके कि इसको हार्ट अटैक से डिफरेंशिएट करना क्लिनिकली एट टाइम्स बिकम्स ऑलमोस्ट इंपॉसिबल। लेकिन आप देखिए कि अगर आपको हार्ट में प्रॉब्लम है तो ये सिर्फ दर्द लेके नहीं आएगा। अगर आपको हार्ट में प्रॉब्लम है तो दर्द के अलावा बहुत सारे दूसरे सिम्टम्स आएंगे जिन्हें आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर हार्ट में प्रॉब्लम हुई तो यहां जो दर्द आएगा ये रेडिएट होकर आपकी नेक की तरफ जाएगा, ये आपके जाँघ में भी जा सकता है। ये जो यहां का दर्द है यहां से घूम के आपके बाईं तरफ के आर्म में इस एरिया में आ सकता है। अगर आपको हार्ट में दर्द आया तो आपकी सांस फूलेगी, आपको पसीना आ जाएगा बहुत ठंडा, आपको डिजीनेस की फीलिंग आएगी या चक्कर आएगी, आपको बहुत सारी कमजोरी महसूस होगी, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको नौशिया या वॉमिटिंग हो जाए। बट जो एसोसिएटेड सिम्टम्स आते हैं हार्ट की प्रॉब्लम के साथ में दे आर क्वाइट अलार्मिंग एंड इसे आप इजीली नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। नाउ अगर आपको गैस बनती है तो लेट अस लुक इनटू दैट व्हाट मे बी दोज रीजंस जिसके चलते ये प्रॉब्लम होती है। देखिए अगर आपके खाने की थैली में एसिड बना तो गैस बनेगी, एसिड बना तो खाने की नली में आएगा, खाने की नली में आएगा तो यहां जलन पैदा करेगा और खाने की नली के जो नसें हैं उनके ऊपर हिट करेगा तो आपको दर्द करेगा। तो ये जो एसिड आया ऊपर की तरफ ये वास्तव में आपको दर्द करके हार्ट के दर्द जैसी जो ना आपको फीलिंग देगा। अगर आप जो भी खाना खाते हैं उसमें आपको कुछ इंटॉलरेंस या मेल एब्जॉर्प्शन है, जैसे से फॉर एग्जाम्पल आपको डेयरी मेल एब्जॉर्प्शन है, ग्लूटेन मेल एब्जॉर्प्शन है, तो वास्तव में आपके पेट में गैस बनेगी। ये गैस ऊपर की तरफ प्रेशर देगी एंड हिट करेगी तो आपको हार्ट जैसा दर्द आएगा। तो फूड इंटॉलरेंस को देखने की जरूरत है। अगर आपको सडन ऑनसेट ये प्रॉब्लम आई तो देखिए कि कहीं कोई फूड पॉइजनिंग तो नहीं है। अगर फूड पॉइजनिंग है तो आपको दर्द तो आ ही सकता है लेकिन दर्द के अलावा आपको जी मिचलाएगा, उल्टी होगी, डायरिया हो जाएगा एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको फीवर आ जाए। तो अगर फूड पॉइजनिंग होगी तो चेस्ट पेन के अलावा ये बाकी चार सिम्टम्स भी आपको आएंगे जो आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर आपने आर्टिफिशियल स्वीटनर ज्यादा इस्तेमाल किए तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में पर्टिकुलरली सॉर्बिटाल एंड जायलिटाल ऐसे हैं जो वास्तव में बहुत सारा इंडाइजेशन क्रिएट करते हैं और गैस बनती है और गैस का बिल्डअप होगा तो ऊपर की तरफ आएगी और चेस्ट में पेन आएगा। नाउ अगर आपने ज्यादा मात्रा
में कार्बोनेटेड बेवरेजेस लिए जिसमें सोडा ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ये ऊपर की तरफ आएगी, प्रेशर देगी तो ये चेस्ट पेन लेके आ सकती है, लेकिन इसके साथ आपको काफी डकारें भी आएंगी, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ अगर किसी भी कारण से आप स्वेलो करते हैं एयर ज्यादा, जैसे मैंने पहले भी बात की कि अगर आप कि जो डेंटर्स हैं वो ठीक से फिट नहीं है, आप गटगट करके पानी पीते हैं, आप च्यूइंग गम लेते हैं या बच्चे जैसे बॉटल से दूध पीते हैं, तो इन्हें काफी एयर स्वेलो कर लेते हैं एंड वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन इसके अलावा आपको देखने की जरूरत है, बहुत सारी बीमारियां हैं या डाइजेस्टिव कंडीशन हैं जो वास्तव में गैस क्रिएट करती हैं, ऊपर की तरफ लाती हैं, चेस्ट पेन लेके आती हैं, जो ऑलमोस्ट हार्ट अटैक जैसा दिखता है। अगर आपको एसिड पेप्टिड डिजीज कुछ भी है, आपको इरोजिव गैस्ट्राइटिस है, आपको एक्यूट गैस्ट्राइटिस है, आपको क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है, आपको एंट्रल गैस्ट्राइटिस है, आपको ड्यूडनल अल्सर है, आपको गैस्ट्रिक अल्सर है, आपको गैस्ट्रिक कैंसर है, ये पूरा स्पेक्ट्रम है। अगर इनमें से कुछ भी होगा तो गैस बनेगी, आपको चेस्ट पेन आएगा। अगर आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, पर्टिकुलरली क्रॉन्स डिजीज, आपको गैस बनेगी, चेस्ट पेन आएगा। अगर आपको लंबे समय से डायबिटीज है और आपको डायबिटिक गैस्ट्रोपरेसिस डेवलप हो गई, तो आपको गैस बिल्डअप होगी और चेस्ट पेन आएगा। तो जब भी चेस्ट पेन आ रहा है तो डिजीज जो एक प्रोसेस है, इस पर भी हमेशा आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये देखिए कहीं हैबिट में आपकी बहुत ज्यादा फाइबर खाने की तो नहीं है, तो फाइबर इज इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी, फॉर द इंटेस्टाइन, लेकिन बहुत ज्यादा फाइबर है वो कभी कभी प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो गैस बनती है एंड वो बिल्डअप होता है तो ऊपर की तरफ आएगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आधी रात में आपको कार्डियोलॉजी में भेजता है इज बेसिकली इधर द हार्ट अटैक और द पेन फ्रॉम द गॉलब्लैडर। अगर गॉलब्लैडर में आपको कोई प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली अगर गॉलब्लैडर स्टोन है, आपको कोलेंजाइटिस हुई है या आपके कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन है, तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है दैट 90% टाइम्स ये मिडिल ऑफ द नाइट में ही दर्द देती है कि आप सोए और खाना सोने के बाद करीब 1.5 से 2 घंटे के बाद आपको अचानक दर्द का अटैक आता है, जो इधर आएगा, ऊपर की तरफ उठेगा, पीछे जाएगा, दोनों कंधों में जाएगा। एंड सही बात यह है कि यह हार्ट अटैक से बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें कि जब भी गॉलब्लैडर का पेन आएगा, इसके साथ में नौशिया जरूर होगा, इनके साथ में वॉमिटिंग जरूर होगी, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इसके साथ ठंड लगे और आपको फीवर आ जाए। एंड ये जो दर्द है वो यहां से हमेशा पीछे की तरफ जाने की कोशिश करता है, जबकि हार्ट का जो पेन है वो पीछे की तरफ जाने की कोशिश नहीं करता है। तो गॉलब्लैडर स्टोन इज द वन विच यू नीड टू लुक इन टू। नाउ अगर ये गैस का पेन है तो हाउ डू वी गो अहेड, हम आपको कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। जब भी इस तरह का पेन आपको इधर आया, हमारा सबसे पहला फोकस हमेशा हार्ट की तरफ होगा। अगर फिजिकल एग्जामिनेशन से आई एम नॉट एबल टू डिफरेंशिएट कि ये गैस का पेन है कि हार्ट का पेन है, तो आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत है, एक ईसीजी होने की जरूरत है, एक ट्रॉप टी कराने की जरूरत है कि कहीं ये हार्ट अटैक तो नहीं है। एंड लेटर ऑन आपको वास्तव में 2D इको कराने की जरूरत है और अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने की जरूरत है कि ये जो पेन इस तरह का बार बार आ रहा है, कहीं ये कार्डियक पेन या हार्ट का पेन तो नहीं है। Now, अगर मैं समझता हूं कि ये पेन आपकी गैस का है, तो भी मैं आपके कुछ इन्वेस्टिगेशन करूंगा, पर्टिकुलरली इफ आई एम कन्विंस्ड कि ये जो दर्द आपको आया है हार्ट का नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं आपके कुछ ब्लड टेस्ट करूंगा, पर्टिकुलरली फॉर एलर्जी। नाउ आई टेस्ट योर इंटेस्टाइन फॉर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, तो मैं कुछ सीरोलॉजिकल या ब्लड टेस्ट करूंगा और अगर जरूरत हुई तो एक कोलोनोस्कोपी करूंगा। नंबर 3, मैं आपकी एक एंडोस्कोपी करूंगा टू लुक इनटू के आपकी खाने की नली, खाने की थैली, इसके अंदर कहीं कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, गैस्ट्राइटिस तो नहीं है, अल्सर तो नहीं है, कैंसर तो नहीं है, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस तो नहीं है, हाइटस हर्निया तो नहीं है, इनको सबको देखने के लिए मैं आपकी एक अपर जय एंडोस्कोपी करूंगा। देन आई विल कंडक्ट वन अल्ट्रासाउंड टू लुक इनटू कि कहीं आपकी जो पित्त की थैली में उसमें स्टोन तो नहीं है, बाइल डक्ट में स्टोन तो नहीं है, कोलेंजाइटिस तो नहीं है, कहीं गॉलब्लैडर में कोई और बड़ी बीमारी पर्टिकुलरली कैंसर डेवलप तो नहीं हो रही है। एट टाइम्स इफ देयर इज अ सस्पिशन कि गॉलब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है या खाने की थैली में कोई प्रॉब्लम है, तो इन सब के अलावा सीटी स्कैन की भी जरूरत पड़ सकती है। नाउ व्हाट आर द होम रेमेडीज और ट्रीटमेंट, ब्रीफली हम उनके बारे में बात करेंगे। अगर आपको रूटीन में गैस ज्यादा बनती है, वास्तव में साइंस ऐसा कहती है कि आपको रेगुलरली वार्म लिक्विड्स लेने की जरूरत है। वार्म वाटर आपको हेल्प करेगा, आपको वार्म बेवरेजेस हेल्प करेंगे, एंड इवन जो हर्बल टी जो गर्म आप पीते हैं, जब भी लेते हैं तो इससे इंटेस्टिन का मूवमेंट बढ़ जाता है, गैस का प्रोडक्शन कम होता है, एंड जो गैस के चलते प्रॉब्लम होती है वो हमेशा कम होती है। नाउ अगर हम देखें जो रिसर्च विच वॉज पब्लिश्ड इन यूरोपियन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी, उसने ये क्लियर किया कि जो जिंजर
जिंजर है, जिंजर में बेसिकली जो एक जिंजरॉल करके सब्सटेंस होता है, ये वास्तव में डाइजेस्टिव एंजाइम्स को हेल्प करता है, गैस का फॉर्मेशन रिड्यूस करता है, एंड जो इस तरह के जो अटैक्स आते हैं गैस के जो चेस्ट में आते हैं इनका इंसिडेंस कम करता है। इसे हमें रेगुलरली यूज करने की जरूरत है, हमें अपने खाने को देखने की जरूरत है, जो ट्रिगर फैक्टर्स हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनको वास्तव में अवॉइड करने की जरूरत है, चाहे वो डेयरी हो सकती है, वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो सकते हैं, वो ग्लूटेन हो सकता है, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, हमें उन सबको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, एंड आइडेंटिफाई करने के बाद वो जो ट्रिगर फैक्टर्स हैं उनको अलग करने की जरूरत है। साइंस मानती है कि अगर आपको रेगुलर गैस बनने की एक प्रॉब्लम है तो एक्सरसाइज हेल्प्स यू आउट, ऐसा माना जाता है कि आप थोड़ी भी एक्सरसाइज करते हैं इंक्लूडिंग वॉकिंग, दैट ऑल्सो हेल्प्स यू आउट और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सेटल करती है। नाउ अगर आपको गैस बार बार बन रही है एंड आपने हार्ट की जो प्रॉब्लम है उसे एक्सक्लूड कर लिया है तो इस गैस फॉर्मेशन को वास्तव में आपको ट्रीट कराने की जरूरत है। नाउ मेडिकल ट्रीटमेंट का जहां तक सवाल है, हम आपको क्या ऑफर करते हैं? अगर आपको सामान्य गैस बनती है प्लस उसके साथ में एसिड भी है तो द फर्स्ट थिंग इज द एंटासिड। जो एंटासिड आप लेते हैं ये आपका जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, गैस फॉर्मेशन रिड्यूस हो जाता है। अगर आपको एसिड पेप्टाइड डिजीज ज्यादा है, उसके चलते गैस्ट्राइटिस है या इस तरह की चीज है, तो आपको वास्तव में कुछ मेडिसिन की जरूरत है ताकि उसको हील कराया जा सके। अगर आपको हेलिकोबैक्टर का इंफेक्शन है उसे ट्रीट कराने की जरूरत है। अगर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज आइडेंटिफाई हुई तो उसके लिए मेडिसिन चाहिए। अगर आपको क्रॉनिक पैनकेटाइटिस है या स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है तो वास्तव में उसको ट्रीट कराने की जरूरत है, सो दैट इस प्रॉब्लम से निपटा जा सके। लेकिन अगर प्रॉब्लम आपके गाल बडर में है तो पॉसिबिलिटी इज द सर्जिकल ऑप्शन विच विल बिकम इंपॉर्टेंट, एंड आपको गाल बडर स्टोन को निकलवाने की जरूरत है। नाउ अगर हमें प्रिवेंट करना है गैस फॉर्मेशन तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेट इस लुक इन टू कि हमें कुछ ना कुछ प्रिवेंशन के लिए करने की जरूरत है। आपको ऑयली एंड स्पाइसी फूड को अलग करने की जरूरत है। जो फूड है उसको हाइजीनिक होने की जरूरत है, क्योंकि अगर कंटामिनेटेड फूड आप यूज करेंगे तो आपको फूड पॉइजनिंग का डर रहेगा। जो आर्टिफिशियल स्वीटनर आप यूज करते हैं, पर्टिकुलरली सॉर्बिटॉल इस तरह की चीजें, उनको प्रिवेंट करने की जरूरत है क्योंकि ये सबसे ज्यादा गैस बनाते हैं। देन अगर आपको हैबिट है कार्बोनेटेड एंड कैफिनेटेड बेवरेजेस लेने की, उसे रिड्यूस करने की जरूरत है क्योंकि इनके चलते गैस काफी मात्रा में होती है। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो आपको एलर्जी कर रही है, प्रॉब्लम कर रही है, तो उसको अलग करने की जरूरत है। नाउ अगर हम गैस के चलते चेस्ट पेन को ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल सही बात है कि साइंस ऐसा मानती है कि ये बड़ी सिंपल प्रॉब्लम है और इसके लिए बहुत सारी होम रेमेडीज अवेलेबल हैं जिससे ये ठीक हो जाती है। गैस के चलते जो चेस्ट पेन होता है बड़ा क्विकली खत्म हो जाता है। अगर आप प्रिवेंटिव मेजर्स ठीक लेते हैं तो गैस कम बनेगी, और बनेगी तो चेस्ट पेन नहीं आएगा, और आएगा तो बहुत छोटी छोटी चीजों से इसे ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो ट्रबल स्टार्ट होती हैं वो होती हैं कि अगर आपको मिडिल ऑफ द नाइट में हार्ट अटैक आया, अगर आपको एंजाइना आया, अगर आपको गाल स्टोन का पेन आया, या आपको स्टमक में कोई इस तरह की प्रॉब्लम है जैसे गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक कैंसर, ड्यूडनल अल्सर, इनका गैस के चलते दर्द आया मिडिल ऑफ द नाइट में, तो प्रॉब्लम खड़ी होती है। साइंस ऐसा मानती है कि एनी पेन विच इज परसिस्टिंग फॉर मोर देन 2 आवर्स and it is not responding to the home remedies and not responding to the routine medication, तो शायद आपको medical attention तुरंत पाने की जरूरत है और आपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। तो मिडिल ऑफ द नाइट में अगर दर्द आया एंड 2 घंटे में ये सेटल नहीं हो रहा है तो आपको मेडिकल अटेंशन चाहिए। और अगर आप समझते हैं ये जानकारी आपका मेडिकल ज्ञान बढ़ाने में मदद करती है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल।